नमस्कार। आज है 9 जनवरी 2024 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि के अनुसार आज है त्रयोदशी। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में भंजालाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। संविदा के रूप में की जा रही सेनावर्ती अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। मंडल का गठन और विभाग का बंटवारा हो चुका। अब जल्द ही कैबिनेट की बैठक बुलाई जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस सप्ताह के कैबिनेट की पहली बैठक बुला जा सकती है। सीएम भंजालाल शर्मा कैबिनेट बैठक के साथ मंत्री परिषद की बैठक लेंगे। पहली बैठक में सीएम कुछ बड़े निर्णय कर सकते हैं। सरकार बनने के बाद 10 प्रमुख गारंटियों में से कुछ तो सरकार लागू कर चुकी है, लेकिन ऐसे कई चीज है जो जल्दी कामकाज के लिए शुरुआत कर सकती है। अब पेट्रोल डीजल के साथ पिछली सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए कमेटी गठित किए जाने का निर्णय किया जा सकता है। इसी के अलावा अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंगानगर जिले के श्री करणपुर विधानसभा चुनाव में विधानसभा के कल नतीजे आ गए। परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने जीत जबरदस्त दर्ज की। कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह पुनर 12,600 मतों से चुनाव जीते। उन्होंने भाजपा के राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी को चुनाव हराया। रूपेंद्र पाल से पहले राउंड से ही भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी से आगे चल रहे थे और जैसे ही कांग्रेस की जीत की सूचना मिली। इसी के अलावा अगली बड़ी खबर की बात करें तो बजट 2024 में किसानों को कुछ बड़ी मोच मिल सकती है। किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतिम बजट पेश करेगी। इस बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट में किसानों को लेकर भी सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। कहा जा रहा है इस बार बजट में पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब तक सरकार इस योजना की 15 किस्त जारी कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार किसानों को सालाना दी जाने वाली राशि बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्रों का कहना है अब किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए की बजाय हर साल 8,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ सरकार पीएम किसान गरीब कल्याण योजना में कुछ बदलाव कर सकती है। आपको बता दें चले 2019 अंतिम बजट में सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शामिल किया था। ऐसे में चुनाव से पहले एक बार फिर अंतिम बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है सरकार। बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी बोले गरीबों के स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करने के बाद सोमवार को अपने संबोधन में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने कहा, मोदी की गारंटी वाली इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद इस कोई भी हकदार सरकारी योजना से लाभ छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा इस बार जागरूकता से कमी से एक दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों को तक पहुंचाना हमारी सरकार अपना काम दायित्व समझते हैं। आज देश में नहीं बल्कि दुनिया में मोदी की गारंटी बहुत चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पहले सरकार में देश कृषि नीति का दायरा बहुत सीमित था। किसानों सशक्तिकरण की चर्चा सिर्फ पैदावार उसकी उपज बिक्री के इर्द गिर्द ही सीमित रहती है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर की बात करें तो भंजालाल सरकार इंदिरा रसोई गैस योजना का नाम बदला। 8 रुपए में मिलेगा आपको भोजन और भोजन की मात्रा भी बढ़ाई। यानी राजस्थान की सरकार भंजालाल सरकार ने जरूरतमंद परिवार के लिए इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया। अब इससे श्री अन्नपूर्णा योजना के नाम से जाना जाएगा। अन्नपूर्णा योजना के तहत मिलने वाली थाली कुल 30 रुपए में पड़ेगी। 22 रुपए सरकारी अनुदान करेगी। लाभार्थियों को पहले की तरह 8 रुपए में थाली मिलेगी। इस संबंध में शासन विभाग के द्वारा आदेश भी जारी कर दिए। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में लाभार्थियों को परोसी जाने वाली थाली में अब दाल चपाती सब्जी चावल मिर्च और खिचड़ी आदि के साथ अचार भी शामिल रहेगा। परोसी जाने वाली थाली की सामग्री का कुल 600 ग्राम वजन निर्धारित किया। और एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है राजस्थान में पेट्रोल व डीजल को लेकर। तेल कंपनियों के द्वारा पेट्रोल व डीजल की नई रेट जारी करने के बाद कई राज्यों में ईंधन के दाम बदल चुके। इसी के अलावा राजस्थान में नई सरकार का गठन हो चुका और इस बार कुछ उम्मीद लोग ये लगाए बैठे कि इस बार पेट्रोल व डीजल के दाम घट सकते हैं। इसके अलावा सीएम भंजालाल लेंगे एक और बड़ा फैसला। कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सीएम के साथ गृह मंत्री का जिम्मा संभाल रहे भंजालाल शर्मा एक बार फिर बड़ा फैसले लेने की तैयारी में है और फैसले के साथ ही वो कांग्रेस को बड़ा झटका देने वाले हैं। खबरों की माने तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार 6 से अधिक नेताओं को सुरक्षा दी गई और भाजपा सरकार कटौती की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मुख्यमंत्री भंजालाल शर्मा निर्देश पर गृह विभाग ने समीक्षा करनी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक पिछली सरकार कांग्रेस में जिन नेताओं को Y और Z की सुरक्षा दी गई उनके बारे में
इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और सुरक्षाओं को हटाई या फिर कटौती की जा सकती है। बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश के मौसम को लेकर फिर से बड़ी खबर आ रही है। 15 से अधिक जिलों में आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इसको लेकर ओलावृष्टि और तेज बारिश के साथ मौसम विभाग ने आज और कल के लिए कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। अजमेर, बांसवाड़ा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, चोरों, सीकर, हनुमानगढ़ जिले में आज कई कई जगहों पर कोहरे छाने के साथ कुछ जगहों के लिए हल्की बारिश को संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया। इसी के अलावा प्रदेश में सबसे ज्यादा कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में सबसे ज्यादा असर रहेगा। यहाँ मौसम खराब रहने की संभावना है। यहाँ तेज ओलावृष्टि, बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया। खबरों से अपडेट रहने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें। साथ ही साथ आप अगर वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।